पिछली बार जब हमारा नोटिफिकेशन हुआ था 63 वोटिंग था, आज 70 वोट्स हुए हैं। ये जैसे एमएलसी हम पूछने के बाद में एमएलसी एक एक जैसे कैनिंग मशीन में से आता है, जीरोक्स मशीन में से, वैसे एक एक एमएलसी निकल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों इलेक्शन है बोल के ये लोग मेल नहीं बनाना चाह रहे। आरसी से इलेक्शन करा तुम हो रहे क्यों? बीजेपी को डर के नहीं कर रहे? बीजेपी वाले अभी ऐड कराने वाले क्या एमएलसी? कराइए, ऐड तो कराइए, बॉडी तो फॉर्म होता है, गुलबर्ग का डेवलपमेंट होता है, काम ही नहीं हो रहा है। ये पूरी बीजेपी की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब हमारे। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी को। हम लोग 2 तारीख को कॉर्पोरेशन कमिश्नर को हम ये डिमांड किए थे कि कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर्स की लिस्ट एमएलए एमपी और एमएलसी बोल के जो मेयर इलेक्शन के लिए वोटिंग डालते हैं उसके लिए पूछे थे हम लोग। 2 तारीख को पूछने के बाद में उन्होंने क्या करे, काउंसिल सेक्शन को भेजे कमिश्नर साहब। काउंसिल सेक्शन में हम कम से कम 4 दिन से इंतज़ार करने के बाद में फिर परसों रात में कमिश्नर साहब क्या बोलते हैं, आईटीआई को डाल को पूछो बोल के बोलते हैं। क्यों, हमारा राइट्स नहीं है क्या पूछने का? हम एज ए कॉर्पोरेटर होते हुए हम लिस्ट कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, हम उनको नहीं पूछ सकते क्या? क्या चल रहा है लूटी यहाँ पे? कॉर्पोरेशन कमिश्नर यहाँ पे लूटी कर रहा है पूरा। हमारा अधिकार है, हम वोट पूछ रहे, वोटिंग लिस्ट पूछ रहे तो देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे? ये जैसे एमएलसी हम पूछने के बाद में एमएलसी एक एक जैसे कैनिंग मशीन में से आता है, जीरोक्स मशीन में से, वैसे एक एक एमएलसी निकल रहे हैं। पिछली बार जब हमारा नोटिफिकेशन हुआ था 63 वोटिंग था, आज 70 वोट्स हुए हैं। ये पूरी बीजेपी की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब हमारे। इवन 1 रुपये का सिंगल एरिया में, किसी एरिया में काम नहीं हुआ है। ये KKRDP का फंड भी सब अंदर चले गया है और ये कॉर्पोरेशन का फंड जो भी आ रहा है वो भी अंदर कर रहे हैं, लूटी कर रहे हैं कमिश्नर साहब। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को अपना जो अहदा है, जो IAS ऑफिसर है, उस तरीके से काम करो, बीजेपी के ऊपर पॉलिसी के ऊपर काम मत करिए। कॉर्पोरेशन कमिश्नर का कोई रुझान नहीं है कराने का इलेक्शन, वोटिंग लिस्ट भेजना चाहिए ना, क्यों नहीं भेज रहे? प्रपोजल भेजो, आरसी से इलेक्शन करा तुम हो रहे क्यों? बीजेपी को डर के नहीं कर रहे? बीजेपी वाले अभी ऐड कराने वाले क्या एमएलसी? कराइए, ऐड तो कराइए, बॉडी तो फॉर्म होता है, गुलबर्ग का डेवलपमेंट होता है, काम ही नहीं हो रहा है। 17-18 मंथ हो गया इलेक्शन हो के, हम एरिया में कुछ काम नहीं कर रहे, एक पाइपलाइन नहीं डाल सक रहे हम, वो पानी का प्रॉब्लम है। हम उनको पूछे तो नहीं, LNT वाले को पूछो तो LNT वाले क्या बोलते, KFD से पास भेजते, वहाँ से फिर उन्होंने कॉर्पोरेशन के पास भेजते, काम कैसे करना? एक लाइट नहीं डाल सके, एक IMEX एक लाइट नहीं डाल रहे, कैसा काम होना, गुलबर्ग का कैसा डेवलपमेंट होना? ये गुलबर्ग में बीजेपी और कांग्रेस मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों इलेक्शन है बोल के ये लोग मेयर नहीं बनाना चाह रहे। हम लोग मेयर बनाने के मूवमेंट में है, बनाइए, गुलबर्ग का डेवलपमेंट करेंगे, इलेक्शन एक दिन करेंगे, रोज़ इलेक्शन नहीं करेंगे। आज मिलेंगे, मिले तो काम होता है भाई, हम मिल के काम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, कोई तो बनेंगे मेयर, डिप्टी मेयर कौन तो बनता है? नोटिफिकेशन करिए, क्यों नहीं कर रहे कमिश्नर साहब? आप भेजिए प्रपोजल, भेजिए RC साहब के साथ,